हिमाचल विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज, आज से हिमाचल विधानसभा में विधायी कार्यों के अलावा उपाध्यक्ष का होगा चुनाव। राज्यपाल के अभिभाषण पर लाया जाएगा धन्यवाद प्रस्ताव। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, पूर्व सरकार की आबकारी और कराधान नीति को किया निरस्त। शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बाद दी जानकारी। विधानसभा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया सत्ता पक्ष और विपक्ष से आह्वान, कहा दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, कटुता भुलाकर प्रदेश के लिए करे काम। विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले राजीव बिंदल, कहा मुझे सामूहिक रूप से चुना गया अध्यक्ष, हमारा प्रयास सभी को मिले उनका विषय रखने का वक्त। राजीव बिंदल के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले सीएम वीरभद्र, कहा आगे पता चलेगा बिंदल कितने सक्षम। पक्षपात पर बोले, कहा सभी को समान दृष्टि से देखना अति जरूरी। सांसद अनुराग ठाकुर ने किया संसदीय क्षेत्र का दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी रणनीति की तैयार, तो हिमाचल की पूर्व सरकार पर साधा निशाना, बोले पहले लोगों की समस्याएं रह जाती थी अधूरी। कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और हत्या मामले में हुई सुनवाई, सीबीआई ने कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट ने मांगा 3 माह का वक्त, तो कोर्ट ने सीबीआई को दिया 28 मार्च का वक्त। सोलन में पदभार संभालने के बाद उपायुक्त हंसराज शर्मा ने की प्रेसवार्ता, बोले सोलन की जनता का रखा जाएगा ख्याल, पार्किंग की मिलेगी सुविधा तो जनता के लिए खुला रहेगा कार्यालय। मनाली की आंचल ठाकुर ने रचा इतिहास, स्कीइंग कंपटीशन में मेडल किया अपने नाम, तुर्की में कंपटीशन हुआ था आयोजित, सीएम और पीएम ने दी बधाई। और हिमाचल में अभी सूखी ठंड से नहीं मिली लोगों को निजात, दिन में धूप तो शाम को रहेगा ठंड का प्रकोप, 15 जनवरी तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं।